पीसीबी का चेयर क्या है? टाइम पूछ, मेरी घड़ी के ऊपर 3:30 बजे हैं। तू शाइन का फैन है ना, तेरे और तेरे शाइन का तो उल्टा टाइम शुरू हो गया। अब रोजा मत तोड़ लेना, रोजा संभाल के रखना, खबर सुन लो पहले तुम। हाँ लो जी, पीसीबी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मोहसिन नकवी साहब ने, और मोहसिन नकवी साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शाहीन भाई, मैंने तो आपको पहले एक वीडियो में कहा था, छोटा मोटा टैची केस, सूट केस, बक्सा जो है वो बांध लो। वो पता नहीं किसी हिंदू श्लोक में या वेद में कहीं मैंने पढ़ा था कि दुनिया में ना जो जिस तरीके से कोई काम करता है ना, या टेक्निकली जो जिस तरीके से आया भैया, वो उसी तरीके से वापस जाएगा। अरे हैरान होने वाली बात नहीं है भाई, आपका थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, इस तरह की चीज़ें पढ़ने का शौक है, तो ये किसी हिंदू श्लोक में, हिंदू मत के श्लोक या वेद में लिखा हुआ है, भाई ने खुद पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की जो स्टेटमेंट्स उन्होंने कप्तान के बारे में दी हैं, उससे पता ये लगता है कि शाहीन भाई की मोस्ट प्रोबेबली छुट्टी होने वाली है। उन्होंने कहा है जी कि कप्तान से रिलेटेड 2-4 किस्म की चीज़ें हैं जो कि डिस्कस हुई हैं, टेक्निकल चीज़ें, यूँ किया उन्होंने टेक्निकल, और टेक्निकल से मुराद ये है कि भाई साहब कुछ 26-27 लड़के जा रहे हैं कल, जिनके नाम अनाउंस हो जाएंगे अभी, वो फिटनेस कैंप में जाएंगे, काकूल आर्मी के साथ ट्रेनिंग करेंगे, और उसके बाद फिर जनाब सीरीज़ शुरू हो जाएंगे, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड T20 सीरीज़, वर्ल्ड T20 एंड ऑल दैट, और ये सारा कुछ एक ही कप्तान के अंडर होगा, और वो मोस्ट प्रोबेबली शाहीन नहीं होंगे। अच्छा, अब जो शाहीन के फैंस हैं ना, जो ओ माय गॉड शाहीन, ओ माय गॉड, वो रोज़ा मत खोजा कर लेना, थोड़ा ही टाइम रह गया, ये बड़े दिल के साथ ना ये अब खबर सुन लो। अब वो आए जिस तरीके से थे, उनका जाना तो था इस तरीके से, जब वो आए थे और तुम लोग इतना सस्ता, जैसे कहते हैं वो नर्गस डांस कर रहे थे, मैंने तुम्हें उस टाइम भी समझाया था कि शाहीन को कप्तान बनाने का इस पर्टिकुलर टाइम में मकसद है कि आप इसके कैरियर के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं, चुप हो जाओ, तुम्हें क्रिकेट का क्या पता, कभी क्रिकेट देखी है, कभी क्रिकेट, बड़ी बातें सुनाई मुझे, यकीन करें दोस्तों, बड़ी बातें, बड़ा बोले ये मेरे ऊपर, शाहीन की आंटी है, ये है वो है, शाहीन ना हो, शाहीन ने मेरी कमेटी खा ली है ना, मेरा कर्जा लेके भाग गया शाहीन, मेरे मुल्क का एस फास्ट बॉलर है, मेरी टीम का प्राइम फास्ट बॉलर है, उससे रिलेटेड भाई मुझे क्या तकलीफ हो सकती है, मैं तो चाहता हूँ कि वो बेहतरीन करे, लेकिन जो शाहीन की अपनी फिटनेस चल रही थी, जो अपनी शाहीन की बॉलिंग परफॉर्मेंसेज चल रही थी, एशिया कप, वर्ल्ड कप, सारा कुछ हमारी आंखों के सामने था, उससे पहले भी सर, वो शाहीन जो इंजरी से पहले पावर प्लेस के अंदर 35 के करीब विकेट्स लेकर बैठा हुआ था, इंजरी होती है उसके बाद पावर प्लेस में बॉलिंग करता है, सिर्फ 6 विकेटें ले पाता है, आप उसे कप्तान बना रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, आप उसकी, आप वाकई में उसके कैरियर के साथ खेल रहे हैं, आप नहीं चाहते कि वो लड़का बॉलिंग करे, वो उसका ख़त्म हो जाए, दी एंड हो जाए, और जिस जिसने उसको कप्तान बनाने में अपना रोल प्ले किया, शाहीन अगर तू मेरी ये वीडियो देख रहा है, तेरे सबसे बड़े दुश्मन ये लोग हैं, लिटरली मैं तेरे मुंह पे कह रहा हूँ भाई, तेरे सबसे बड़े दुश्मन ये लोग हैं जिन्होंने तुझे इस पर्टिकुलर टाइम में कप्तान बनाने के लिए बादशाहत की है, समथिंग लाइक दैट। भैया तेरे, तू अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस देख ले, तेरे ओवर हाफ हो गए हैं, ठीक है, तेरी नंबर ऑफ विकेट्स नीचे आ गिरी हैं, तेरी बॉलिंग में वो डेप्थ ही नहीं है, तेरी बॉलिंग में ना वो स्विंग है, तेरी बॉलिंग में ना वो किल रही है, और उस पर्टिकुलर टाइम में आपको बना दिया गया कप्तान, आपने न्यूजीलैंड में देख लो आपने क्या किया, आप अपना PSL उठाकर देख लो, लाहौर कलंदर्स आपके नीचे, लाहौर बंदर्स बनी हुई थी, लाहौर ब्लंडर्स बनी हुई थी, और भाई ये मुँह से जितना मर्जी तुझे चुक लें शाहीन, रियलिटी यही है कि भाईजान इस टाइम आप ठूसे हुए बम बने हुए हैं, आप दिवाली के वो पटाखे बने हुए हैं जो के चले ही नहीं, और पीछे गोदाम में पड़े पड़े ठुस हो गया, गीला हो के या जो भी, जिस तरीके से ये अभी मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है जी कि हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि आइदर शाहीन कंटिन्यू करेगा कि नहीं, अगर ये कंफर्म होते ना, तेरी सर आपने फिटनेस दी होती, आपकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेज A1 होती, आप पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग से मैचेस जिता रहे होते, मैं देखता किस तरीके से मोहसिन नकवी साहब आपके बारे में ये ना कहते कि वो पागल हो गए, शाहीन को हम क्यों चेंज करें, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो नजम सेठी वाला और बाबर आजम वाला हुआ है, जब उस पर्टिकुलर टाइम में जब बाबर टॉप ऑफ हिज गेम था ना, और नजम सेठी साहब ने हल्की फुल्की सी इस तरह की ड्यूल बात की थी बाबर को हटाने की, तो सोशल मीडिया के ऊपर जलजला आ गया था कि हटा कर तो दिखाओ, वो ट्रेंड चले और वो सारा कुछ, सर बाबर को कोई हाथ नहीं लगा सका, उसकी वो परफॉर्म कर रहा था, उसका ठीक चल रहा था उस पर्टिकुलर टाइम में, अब आपका आपका सिनेरियो ये है कि आपका ठीक नहीं चल रहा, और इसी वजह से मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि अगर शाहीन कंटिन्यू करता है, इसका मतलब यह है कि वो 100% श्योर नहीं है कि आप कंटिन्यू कर पाओगे या नहीं, तो भजन फिर ये वही आपका तो गया ना, और मेन चीज़ वही है कि आपको यार तू भी बेवकूफ़ आदमी है, तुम्हें कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कप्तानी तो यार आग के तोक को गले में डालने वाली बात है,
तोक दोस्तों, वो जो मेरे हिंदू दोस्त देख रहे हैं, तोक ना वो कड़ा सा नहीं होता वो, अबे मिडिवल टाइम्स में वो जो गले में डालते थे, अबे गाटे में फिट हो जाता था लोहे का, वो कैदियों शैदियों को नहीं डालने वाला होता, उसको कहते हैं। हाँ, तो वो आग का भाई तोक तूने गले में डाल लिया बाय चॉइस। उसके बाद न्यूजीलैंड में देख लो क्या हुआ, फिर उसके बाद आपने जो लीग्स खेली हैं, IL T20 हो गया, PSL हो गया, सर अब ये परफॉर्मेंस वो है ही नहीं, तो फिर आपके ऊपर बात होनी थी, क्योंकि आपने आगे बहुत मेजर सीरीज खेलनी है, और उन मेजर सीरीज को खेलने के लिए आपके कप्तान का राइट फ्रॉम द फ्रंट लीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शाइन की सर कप्तानी, आई एम सॉरी टू से, शाइन के फैंस के लिए मुझे तो खूँ खाते नज़र आ रही है, और उसकी अब कप्तानी से हट के उसको अपनी बॉलिंग और अपनी फिटनेस पर फोकस करना होगा। लिटरली वसीम अकरम उसकी फिटनेस पे बात कर चुका है, हफीज़ कर चुका है, जितने एक्स बड़े बड़े नाम हैं जो जनमन बात करते हैं, चल सारों को छोड़ दे, वसीम भाई की सुन ले यार, वो भी तो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर थे, दुनिया का सबसे बड़ा लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है वो, यार उसकी सुन ले यार, तेरी फिटनेस नहीं चल रही, तेरी बॉलिंग परफॉर्मेंसेज डाउन हुई हैं, गुरु उन पर कंसंट्रेट कर, तेरी टीम में जगह जो है उसके आगे सवाल या निशान बन गया, तू अपनी कप्तानी को रोएगा अभी कुछ दिनों बाद बैठ के, तो छोड़ दे, लिटरली छोड़ दे, ईजी हो जा, इन चीज़ों पे फोकस कर, बॉलिंग और फिटनेस, बाकी कप्तानी आनी जानी चीज़ है लिटरली। तो बाकी उसके अलावा मोहसिन नकवी साहब ने और भी बड़ी ज़्यादा बातें की हैं, मैं आपको एक एक करके वो सारी बातों के बारे में बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, कि किस तरीके से क्या क्या मैनेज करना है उन्होंने, और उन्होंने सिलेक्शन कमेटी से रिलेटेड जो किया है वो भी आपको आगे एक वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।